रुकिए रुकिए रुकिए, देखो वो रहा चाइना, और लेट्स जस्ट से इट चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। देखो स्लो मोशन में जाता वो बर्फ का गोला, चलिए उसको हवा में ही रोक देते हैं। चलिए रहने दीजिए, बहुत मजाक हो गया, आपको कहानी भी तो सुनानी है, मेरे मिशन ब्रिंग होम बर्फ की कहानी। जब बिना कोई वीजा या पासपोर्ट के चाइना का बर्फ इंडिया ले आया था मैं। तो बात है मार्च 2023 की, जब मुझे सिक्किम घूमने का न्योता आया था। We are in Sikkim and also we are going to Nathulla Pass. तो जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मैं सिक्किम पहुंच गया हूं ऑलरेडी। This is where we have to go, जहां से हम लोग को गाड़ी मिलेगा सुमो। I am excited. Nathulla Pass एक इंडिया चाइना बॉर्डर है जहां स्नोफॉल होता है, बट पता नहीं क्यों मैं यहां एक टी-शर्ट के ऊपर बस एक पतली सी जैकेट लगाकर निकल रहा हूं। It will be took. Oh my god, I forgot my jacket. Oh man, I love running and sweating like a pig. It's just a proverb. हिंदी में कहेंगे तो, अरे भाई मुझे दौड़कर सुअर की तरह पसीना बहाना बहुत पसंद है। Zero point flower show छा नहीं? वो तो जानू छा। We are going to the flower show. हम लोग जा रहे हैं flower show and वहाँ से हम लोग को गाड़ी मिलेगी आगे east Sikkim के लिए। These are one of the highest places in Sikkim, more than 4,000 meters. It's a lot. मजा आएगा। गाड़ी लेट थी 2 घंटे से, 8 बजे की गाड़ी आई 10 बजे। आई वॉज फाइन, बट मुझे इसी बात का डर था कि बॉर्डर पर बर्फ पिघल ना जाए। ऑल्सो मिशन ब्रिंग होम बर्फ की सफलता को लेकर मैं डरा हुआ था। इज इट ओके? चाइना के हिटलिस्ट में नहीं आना चाहता था मैं, और ना ही इंडिया से डांट सुनना चाहता था मैं। कहीं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा? कहीं लोग मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगे? चैट जीपीटी से पूछा तो वो कहता, नो इट इज नॉट ओके टू स्टील स्नो फ्रॉम एनी कंट्री, थेफ्ट इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। ये देखकर मैंने अपने मिशन ब्रिंग होम बर्फ को ड्रॉप कर दिया। मिशन अबॉर्ट। बट जाना तो था क्योंकि गाड़ी का भाड़ा दे दिया था। पूरे रास्ते कोई ट्रैफिक नहीं था, ना आगे और ना पीछे, जबकि नाथुला एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहां से आप तिब्बत के सरजमी को छू सकते हैं। जितना दूर तक मेरे को गाड़ियां दिख रही हैं, पूरा जाम है। धीरे धीरे हम ऊंचाई गेन कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ऊपर स्नोफॉल होने का चांस था। वहां पे बर्फ जमा हुआ है तो कहते हैं कि जूता चाहिए स्नो के लिए ना, वरना ये जो नॉर्मल शूज है, दिस माय शूज, ये नीचे धस जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो भी 100 रुपये में रेंट में मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग। मैं सोच रहा था अगर मान लो मैं इस मिशन को अबॉर्ट नहीं करता तो इस मिशन में सबसे ज्यादा डर किस बात की होती। पहला प्रॉब्लम था ये जूता। अगर बर्फ लेकर भागना पड़ा तो इस जूते में भागना बहुत मुश्किल होता है मुझे पर्सनली। दूसरा प्रॉब्लम था लॉजिस्टिक्स, कि अगर मैं बर्फ लेकर भागा तो जब तक मैं शहर जाकर उस बर्फ का बर्फ गोला बनाता तब तक पिघल जाता वो। जी हाँ, मेरा प्लान था कि तिब्बत से बर्फ लाकर मैं उसका बर्फ गोला बनाकर खाऊंगा। तीसरा प्रॉब्लम था यहाँ की टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि दूसरी साइड चाइनीज आर्मी है जो कि बड़ी नटखट है। स्नोफॉल तो नहीं हो रहा था, बट अपने जैकेट को होटल वापस जाकर लेकर आने का वो जो मेरा डिसीजन था उसके लिए आई थैंक माइसेल्फ। बहुत ठंडा यार, बहुत ठंडा है। वेलकम टू नाथुला। नाथू जिसका मतलब है लिसनिंग ईयर्स, और ला मतलब पास। पुराने जमाने का द फेमस सिल्क रोड यही था।
मिशन ड्रॉप करने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। बिना कोई टेंशन के सिक्किम के इन बेहतरीन वादियों को अप्रिशिएट कर पा रहा था मैं। मजाक कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा था। मेरे दिमाग में मिशन ब्रिंग होम बर्फ चालू था। मिशन नो अबॉट। चलिए चलिए आगे। वो झूठ चाइना के लिए था। मेरा पूरा वीडियो देखने का उसे टाइम कहाँ है? एनीवेज, वो 10 मीटर की दूरी पर ये सफेद बिल्डिंग चाइना है, जहां से मुझे बर्फ लाना था। बट तभी मुझे इंडियन आर्मी ने रोक लिया। ये लाइन के पार से मोबाइल अलाउड नहीं है, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, अभी इतना ठंडा है। सो या मोबाइल रखना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेक इट, आई हैव टू क्लोज इट। ओके सर। भले ही मैं आपको ये बता नहीं सकता कि अंदर क्या क्या हुआ, ये जो बर्फ है ये सारा बर्फ इंडिया में है, बट मिशन ब्रिंग होम बर्फ वॉज सक्सेसफुल। दिस आइस इज फ्रॉम चाइना। चलो बता देता हूँ, बट ये जो बर्फ है ये चाइना से लाया मैंने, बॉर्डर के उस पार से। वहाँ पे चेन लगा हुआ था, चेन को मैंने ऐसे हाथ घुसा के, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बट क्योंकि नाथुला पास इंडिया और चाइना के बीच का एक ट्रेडिंग रूट है, इसीलिए जितना बर्फ मैंने तिब्बत से उठाया था उससे ज्यादा बर्फ मैं दे भी आया चाइना को। अरे छुट्टी। इतनी सी बर्फ में क्या ही बनता मेरा बर्फ गोला। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी सच्ची घटना है, बट ये एक फिक्शन है। फिक्शन मतलब ऐसी कहानी जो कि सच्ची घटना से प्रेरित नहीं है। सब झूठ है, सब। Maybe not. Hello guys, this is Ashwini. मैं वही बंदा हूँ जिसने ये व्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज डू कॉमेंट, है ना, प्लीज लाइक इफ यू लाइक एक्चुअली। और ये कहना चाहूँगा कि मिशन ब्रिंग होम बर्फ जो है सच्ची घटना है या नहीं, ये आप डिसाइड करो। लेकिन मेरा पर्सनल मिशन, मिशन 1 मिलियन, एक रियल प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट, जिसके मुताबिक मैं अपने घर तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरे यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मांगता, तो जनता, तो भाई और बहनों, प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए और ये मिशन को कम्प्लीट कराइए जल्दी। जय हिंद।